घर बनाने से पहले ये वीडियो देख लेना, नहीं तो आपका घर कमजोर पड़ जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर को भी समझा दो ये चीजें आपके घर में नहीं होनी चाहिए, और खुद भी ध्यान रखना है, तभी आपका घर जो लाइफ होती है 60 से 70 साल वो पकड़ पाएगा, नहीं तो 30 से 40 साल में दिक्कतें आने स्टार्ट हो जाएंगी, क्रैक, नीचे बैठना, बहुत दिक्कतें आती हैं। तो पूरी वीडियो देखो, काफी चीजें हैं। सबसे पहला काम ही हमारा स्टार्ट हो जाता है जब ब्रिक वर्क चल रहा होता है, तभी से आपको ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा। देखो, जब ब्रिक वर्क कर रहे होते हैं उसी दौरान आपको देखना है कि वो ब्रिक वर्क है जो जुड़ाई की जा रही है वो प्रॉपर से की जा रही है कि नहीं, मतलब प्लम बॉब जो रहता है उससे चेक करना है कि सीधी दीवार है कि नहीं, कहीं अंदर नहीं मुड़ रही। जो रैकिंग की जाती है, रैकिंग क्या होता है, जो आपके ईंटों के बीच का मसाला होता है वो प्रॉपर से उसको निकाला जा रहा है, क्योंकि जब अगर प्लस्तर उसके ऊपर किया जाएगा तो वो अच्छे से चिपकता नहीं है अगर रैकिंग अच्छे से नहीं की है। तो वो आपको देखना है कि मिस्त्री को बता देना है कि रैकिंग कर ले, एक साइड तो सरफेस जो होगी वो रफ निकलेगी, एक साइड रैकिंग कर लो, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। और जब आपकी ब्रिक वर्क हो जाती है उसमें जो भी आइटम आती हैं, प्लम्बिंग की आती हैं या कंड्यूट पाइप बिजली की आती है, उसको प्रॉपर से कटिंग करो। ठीक है, जितना आप प्रॉपर डेप्थ रखनी है, ना ज़्यादा डेप्थ हो जाए ना कम डेप्थ रहे। ज़्यादा डेप्थ हो जाएगी दूसरी तरफ दीवार को दिक्कत आएगी, कम डेप्थ होगी तो वो जब प्लास्टर कर दोगे उधर वहाँ एक क्रैक बन जाता है, हेयर लाइन क्रैक, वो नहीं बनने देना। प्रॉपर डेप्थ उसकी करनी है, कटर से कटिंग करके निकाल के पाइप फिक्स कर दो। उसके बाद उस पर क्या करना है आपको, 1:3, 1 में सीमेंट 3 में सैंड का माल बना के उस पर अच्छे से लगा देना है, उसको रफ कर देना है, कट वगैरह मार देने। ठीक है, जब वो हो जाना है उसके ऊपर चिकन मैश या फाइबर मैश वो लगा देनी है, और आपकी दीवार को थोड़ा सूखने देना है। मतलब उसमें जब आप प्लास्टर करने जाओ तो उसमें वेट नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर कोई नहीं होना चाहिए दीवार में, सूखी दीवार आपकी होनी चाहिए, ये पहली शर्त होती है जब भी प्लास्टर करने से जाना है आपने। दूसरी चीज़, जो भी फैन के बॉक्स आती हैं, डिब्बियाँ आती हैं, उनको प्रॉपर से पहले फिक्स करवा लो, ये हो गया काम। उसके बाद उसकी तराई करो दीवार की, उसको क्यूरिंग करो, उसकी जिस दिन प्लास्टर होना है उस दिन उससे पहले भी उसको पानी पिला लो अच्छे से, दूसरे दिन भी पानी पिलाओ 1-2 घंटा पहले जब प्लास्टर करने से। क्योंकि होता क्या है, अगर नहीं पिलाओगे जो आप प्लास्टर करोगे उस पर प्लास्टर करोगे वो किसी काम का नहीं होगा, वो जो प्लास्टर होगा उसका जो पानी होगा वो ब्रिक पहले ही चूस लेगी, सक कर लेगी, जब वो पानी उसका निकल गया तो वो पाउडर बन गया, मतलब वो प्लास्टर पक्का क्रैक करेगा ही करेगा या पाउडर बन के निकल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसको क्यूरिंग करनी करनी है। जब ये ब्रिक वाली चीज़ें आपने देख ली, ब्रिक वर्क वाली चीज़ें देख ली, उसके बाद आपको प्लास्टर करना है। और आप चाहते हो कि ठेकेदार आपको बेवकूफ ना बना दे, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्स आइडिया आपके पास रहेगा, आपको आइडिया लग जाएगा कितना खर्चा आने वाला है। एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल क्या है, रियल मतलब पूरा केस है ये, जो हम घर की कंस्ट्रक्शन की थी उसी की हर एक चीज वैल्यू उसी की ली हुई है। मटेरियल प्लस लेबर का क्या खर्चा आने वाला है, 800 स्क्वायर फीट का हाउस है, देखो 20x40 का हाउस था, और जरूरी नहीं है आपका 800, 1000 होगा, 2000 होगा, जो भी होगा आप निकाल लोगे। 20x40 का प्लॉट था हमारा, और G+1 हमने बनाया, एक ग्राउंड फ्लोर था उसमें, उसके ऊपर हमने फर्स्ट फ्लोर बनाया, ड्यूप्लेक्स बनाया हमने, और 4 BHK 2 कमरे नीचे थे, 2 ऊपर थे, बाकी जो किचन बाथरूम ये वगैरह जो था वह हमें एरिया चाहिए। लाल ईंट हमने यूज की थी, टाइल हमने विट्रीफाइड की है, जो हमें मार्केट में मिली थी 40 रुपये स्क्वायर फुट थी, ठीक है, आप इससे कम में ले सकते हो। OSD डोर, जो बने बनाए डोर आते हैं वो हमने लगाए। फिर हम बात करते हैं, सालबुड लगाई थी हमने उसके लिए, जो भी हमारा बाकी काम था सालबुड उसके लिए। टाटा स्टील हमने यूज़ की है, अंबुजा सीमेंट यूज़ किया, टाइल सोमानी थी, पेंट एशियन पेंट, और जो प्लम्बिंग उसका सामान किया है वो भी सोमानी का था, और इलेक्ट्रिक का जो सामान हमने यूज़ किया वो हैवल्स का किया था, मिक्स था हैवल्स और सिस्का का। अभी बात करते हैं, 800 स्क्वायर फीट का घर है, नीचे हमारा प्लॉट है 800 स्क्वायर फीट का, और ऊपर का प्लॉट भी हमें 800 स्क्वायर फीट का ही बनेगा, तो 2 होंगे ना, नीचे का भी ऊपर का, टोटल कितना 1600 स्क्वायर फीट हो गया हमारा, ठीक है 1600 स्क्वायर फीट, और 2023 रुपया हमें रेट पड़ा था इस घर को बनाने के लिए। ठीक है, हमें क्वालिटी के साथ, क्लाइंट ने कहा था कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, हर चीज क्वालिटी की आपको यूज करनी है। तो ये जो 2023 रुपया है आप इसको 1600 से 1800 के बीच भी कर सकते हो, वो अलग वीडियो रहेगी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं वो कैसे हो सकता है। जैसे यहां पे टाटा स्टील यूज किया, आप दूसरा स्टील यूज कीजिए, यहां पेंट एशियन पेंट आप बर्जर वगैरह के यूज कीजिए, टाइल्स ये सामान्य है लोकल कर सकते हैं, सीमेंट दूसरा यूज कर सकते हैं, ब्रिक की जगह WSC ब्लॉक यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं कुछ जिनकी वजह से रेट आप
कम कर सकते हो, क्वालिटी से तब भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन ब्रांड उनको उन्होंने कहा था कि हमें वो ब्रांड यूज करना है जो नोन हो, तो हमें 2023 रुपया रेट लगाया था उन्हें, तो 32,36,996 रुपया हमारा बिल बना था लास्ट। टोटल कितना, 800 स्क्वायर फीट का डुप्लेक्स घर बनाया था, तो इतना बना था लगभग। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। फिर फाउंडेशन में खर्चा कितना आता है, आज हम इस वीडियो में पार्ट वन में फाउंडेशन में टोटल खर्चा निकालने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं, ब्रेकअप कॉस्ट, जिसकी हेल्प से आपका जितना भी एरिया होगा, जितना भी स्क्वायर फीट का आपका अगर एरिया है 1,000, 1,200, 1,300, कितना भी स्क्वायर फीट का एरिया आप निकाल पाओगे। लगा लो 1600 स्क्वायर फीट का एरिया हमारा एक घर बन रहा है, भले वो ड्यूप्लेक्स है सिंगल है, 1600, तो हमने रेट वही डाला 2023। आपको अपने एरिया का रेट पता करना है, आपको ये निकालने के लिए आइडिया कैसे लेने, देखो मैं बताता हूं। आपका अगर लगा लो 1000 स्क्वायर फीट आपका एरिया बनता है, आपका प्लॉट होगा 20x30 का, जहां जो भी हो 20x30 है ना, यहां 20x30 होगा, यहां 20 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो जैसे ये 600 स्क्वायर फीट हो गए ना, तो आप यहां 600 स्क्वायर फीट लिख देना जो भी होगा, और रेट अपने एरिया में पता करना कि एवरेज क्या चल रहा है। एवरेज इस समय 1600-1700 ये रेट है एवरेज कंप्लीट, ठीक है, मटीरियल प्लस लेबर। तो हमने पकड़ लिया 1600 और रेट पकड़ लिया, तो हमारा खर्चा आया 32,36,800 रुपया हमारा मकान बनाने का खर्चा आ रहा है। अब चीज देखनी होती है, देखो ये ब्रेकअप कॉस्ट है, ये ब्रेकअप कॉस्ट कहां से निकालनी है, हमने ये निकाली, हमने जो भी कंस्ट्रक्शन करवाई उसमें हमने एवरेज निकाली हर चीज की, कि हमारा कितना खर्चा किस पे आ रहा है। देखो हमने इस घर को जो हमने डिजाइन करवाया उस घर को, उसमें हमें 3.5% खर्चा आ गया इसका, उसमें क्या क्या था वो देखो, पहले आप इसको कम कर सकते हो। उसमें था हमारा स्टील का पूरा डिटेल था, प्लान था जिसको हम 3 बार चेंज किए हैं, 3 टाइम चेंज, आर्किटेक्ट की विजिट थी, आर्किटेक्ट की 4 विजिट थी, वो साइट पे आते थे देखते थे, प्लंबिंग की पूरी डिटेल थी, इलेक्ट्रिक की पूरी डिटेल थी, लैंडस्केप की पूरी डिटेल थी कि बाहर कैसा गार्डन रहेगा, ये सब चीजें, और जो उसमें हमारा था एरियल व्यू था पूरा, ऊपर से घर कैसे दिखेगा, 3D व्यू था अंदर से, अंदर से घर कैसे दिखेगा, फ्रंट एलिवेशन, साइड एलिवेशन, ये सब कुछ था, तभी हमारा 1,13,288 रुपए खर्चा है। यहां आप खर्चा कम कर सकते हो, 1% भी इसका खर्चा हो सकता है, ठीक है, मतलब 1% भी खर्चा आ सकता है, 30,000 रुपए में काम हो सकता है। 30,000 रुपए में कैसे काम होगा, इसमें आपको सिर्फ क्या मिलेगा, स्टील की डिटेल मिल जाती है, और फिर आपको प्लान मिल जाता है, आपको इलेक्ट्रिक की भी डिटेल थोड़ी बहुत मिल जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिटेल आपको सब कुछ मिल जाता है, वहां आर्किटेक्ट की विजिट नहीं होती है, फ्रंट व्यू नहीं मिलेगा, साइड व्यू नहीं मिलेगा, तो ये है। तो 1,13,288 रुपए हमारा इस घर को डिजाइन कराने में खर्चा आया। फिर हमने उसको लेआउट और एक्सक्वेशन की, तो लेआउट के टाइम भी आर्किटेक्ट हमारे आए थे, इंजीनियर ने लेआउट करके दे दिया, उनका इंजीनियर रहता है आर्किटेक्ट का, उसने बना के दे दिया, ये लेआउट कर दिया, उधर एक्सकवेशन होगी, तो एक्सकवेशन और लेआउट का खर्चा आया 97,104 रुपए हमारा खर्चा आया, ठीक है। उसमें फुटिंग खोद दी उन्होंने, उन्होंने प्लिंथ बीम का जो खोदना था वो खोद दिया, ठीक है। फिर जो लेबर कॉन्ट्रेक्टर है हमारा, जो कंक्रीट करेगा, शटरिंग करेगा और सब कुछ काम करेगा, मतलब शटरिंग भी उसकी थी और लेबर भी उसकी थी, तो 8% उसका खर्चा, ऐसे आपके एरिया में होगा मेरे ख्याल में, देख लेना, 210 रुपए से स्टार्ट होता है, 190 भी लेते हैं ये लोग पर स्क्वायर फीट, तो हमारा 8% इसका खर्चा आपका आ जाता है। तो हमारा कितना खर्चा आया था, हमारा आया था, एक मिनट इधर ये जीरो है, 2,58,940 रुपए हमारा खर्चा है, मतलब कोई 2.5 लाख रुपए हमारा किसका, लेबर कॉन्ट्रेक्टर का खर्चा आ गया इस घर को बनाने में, 2.5 लाख रुपए, 8% आपका खर्चा उसमें ही रहता है, ठीक है, ये चीज भी आप नोट रखना। कोई भी घर बनाओगे, सीमेंट अप्रोक्स 11% उसमें चला जाता है, कितना, 11% का खर्चा आपका सीमेंट पे रहेगा। तो अगर हम 32,36,800 का 11% करते हैं, इसका 11% करते हैं, तो होता है 3,56,448 रुपए, इतना आपका हो जाएगा। तो आपका जितना भी ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मैंने निकालना सिखा दी, उसका 11% कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा आपका सीमेंट कितना आएगा। अभी अगर इसको निकालो, इसमें बहुत चीजें होती हैं, आप कुछ कर सकते हो, आपको बस वीडियोस देखती रहनी है हमारी, जैसे ही आया पेंसिल, तो जितने का भी आपका बैग लगा लो, वहां 400 रुपए का बैग मिलता है अंबुजा सीमेंट का, तो आपको नंबर ऑफ बैग निकल आएंगे यहां पे,
तो इस तरीके से। तो अंबुजा हमने यूज़ किया था, फिर ब्रिक जो थी लाल ईंट हमने यूज़ की थी, 9% खर्चा हमारा रहता, 8 रुपये की ब्रिक हमें मिली थी, तो 32,36,800 का 9% कितना हुआ, 2,91,312 रुपये हमारे ब्रिक पे खर्चा आएगा ईंट का। एग्रीगेट का क्या खर्चा है, हमारी जो कब्जी 5% खर्चा आता है, तो 1,61,840 रुपया। तो ये इसका आपको परसेंटेज करते जाने आपको वैल्यू मिलती जाएगी। आपका जितने स्क्वायर फीट का भी घर होगा मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको उसका ये पूरी वैल्यू निकाल के बता दूंगा। फिर हमारा जो स्टील है, स्टील सबसे ज्यादा खर्चा हमारे घर में लेते हैं, 15% हमारा उसमें लगा। टाटा का हमने स्टील यूज किया था, टाटा कंपनी का, तो वो इस समय थोड़ा कॉस्टली चल रहा है, तो 15% 4,85,520 रुपये, और ये खर्चा होना भी चाहिए। स्टील अगर अच्छे से प्रोवाइड करोगे तो घर मजबूत बनता है। डोर और विंडो 6% खर्चा हमारा उसका था, तो 1,94,208 रुपये हमारा उसका। फ्लोरिंग का जो खर्चा था 5% खर्चा हमारा उसका, विट्रीफाइड टाइल हमने पूरे घर में यूज की, हमने मार्बल और ग्रेनाइट नहीं यूज किए, तो 5% हमारा इसका था, 1,61,000 रुपये। अगर यहां मार्बल और ग्रेनाइट यूज करोगे तो आपका 30,000 से 40,000 रुपये और बढ़ जाता है, ठीक है। पेंटिंग का 5% खर्चा हुआ, 1,61,840 रुपये हमारा उसका खर्चा आ गया। प्लंबिंग का 6% खर्चा रहता है, तो 1,94,208 रुपये हमारा उसका खर्चा आ गया। दो बाथरूम थे, तीन, तो उसमें ये खर्चा आया। सैनिटेशन का, ठीक है, सैनिटेशन का हमारा था 4%, सॉरी प्लम्बिंग और सैनिटेशन दोनों से 6% में हो गया था। सैंड हमारी जो सैंड थी, इसमें लिखना भूल गया था, मैंने नीचे लिख दिया, 4% उसका खर्चा था। सैंड हमने मंगवाई, रिवर सैंड थी, 1,29,472 रुपये हमारा उसका खर्चा था। फिर जो बिजली का काम था, 5% सिस्का और हैवल्स का मटेरियल यूज किया, तब भी हमें 1,61,840 रुपये खर्चा हमें पड़ा। फिर हमारा जो था, और जो स्विच बोर्ड थे वो एंकर के थे, ज्यादा कॉस्टली वाले नहीं थे। बाउंड्री वॉल और मेन गेट हमने लगाया, 2% हमारा खर्चा उसका था, 64,736 रुपये, जिसमें गेट इंक्लूड नहीं है, सिर्फ बाउंड्री वॉल का खर्चा है। वाटर, अगर पानी आपके एरिया में मिल जाता है तो आपका ये खर्चा निकल जाएगा। सॉइल अगर मिल जाती है तो ये खर्चा निकल जाएगा। बोरवेल अगर आपको नहीं चाहिए तो ये खर्चा निकल जाएगा। और 2,58,58,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा लेके चलना, जो छोटी मोटी चीजें जब आपका ब्रांड चेंज होता है या जो एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करते हैं उसका होता है। तो इस तरीके से आप पूरी निकाल सकते हो। अभी हम बात करते हैं किसकी, फाउंडेशन। आज फाउंडेशन करेंगे, जब सबस्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा फिर सुपरस्ट्रक्चर, कॉलम, बीम उसके, ठीक है, समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूं। देखो फाउंडेशन में हमारा खर्चा कितना है, पहले हमने करवाई एक्सकवेशन, खुदाई करवाई, हमारी कुछ फुटिंग थी, 9-10 फुटिंग थी उसमें, तो हमारी क्वांटिटी कुछ आई 1290 CFT, कितनी 1200। अभी मैं क्वांटिटी निकालना नहीं सिखाऊंगा, जहां ड्राइंग नहीं दिखाऊंगा, फिर वो मतलब वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये पकड़ो क्वांटिटी देख लेना, 1290 CFT थी। 10 रुपये हमने रेट दिया था उसको खोदने का, ठीक है, मैन्युअली खुदाया, 12,900 रुपये हमारा एक्सकवेशन का खर्चा आया। फिर हमने पीसीसी करवाई, जहां एक्सकवेशन फुटिंग की पीसीसी होती है ना, 124 रुपया CFT हमारा क्वांटिटी थी और 100 रुपया मटेरियल का रेट था, मतलब 100 रुपया मटेरियल का रेट, तो 12,400 रुपये में हमारा पीसीसी का मटेरियल डाला। और जो मटेरियल डालने वाली लेबर थी, 124 हमारा CFT क्वांटिटी थी ना, तो 30 रुपये हमने उनको दिए डालने के लिए, तो 3720 रुपये हमारा डालने वाले लेगी लेबर का रेट। फिर स्टील का अगर हम बात करते हैं, 0.42 मीट्रिक टन हमारा स्टील लगा, किसमें, फुटिंग में, जाली बांधने में। तो इस समय टाटा का रेट जब हमने करवाया तो 79,000 रेट चल रहा था, तो 33,180 रुपये हमारा किसका खर्चा आ गया, स्टील मटेरियल का। लेबर का खर्चा कितना था, लेबर का खर्चा था, अगर हमारा क्वांटिटी थी 0.42 मीट्रिक टन और 5,000 रुपये यहाँ रेट चल रहा है मीट्रिक टन बांधने का, 5 रुपये केजी के हिसाब से, तो 2100 रुपया हो गया। दोनों को प्लस करेंगे, 35,280 रुपया हमारा स्टील बांधने का खर्चा हो गया, किसका, फुटिंग के। ये एक मिनट में कैमरा सेट कर लेता हूं, ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा। फुटिंग का कॉन्क्रीट, तो हमारी क्वांटिटी थी 240 CFT, ठीक है, तो 270 रुपये मटेरियल का रेट था। यहां पीसीसी थी तो 100 रुपया रेट था उसका M10 का, और यहां कॉन्क्रीट था तो 270 रुपया रेट हमने दिया, तो 64,800 का हमारा कॉन्क्रीट आया जो हमने फुटिंग में डाला, 200 CFT उसकी क्वांटिटी थी, 200 CFT क्वांटिटी थी, जो डालने का पैसा लिया लेबर ने वो 30 रुपये पैसा लिया, तो 7,560 रुपये हमारा इसका खर्चा हो गया डालने का फुटिंग। फिर हमने प्लम कॉन्क्रीट किया, हमारा जो प्लिंथ, देखो मैं नीचे से समझाता हूँ थोड़ा आपको और क्लियर हो जाएगा, ये हमने फुटिंग कर ली, ठीक है, यहां से कॉलम निकल गया हमारा, ये कॉलम आ गया,
यहाँ हमने जो प्लिंथ है, हमें रोड से प्लिंथ ऊंचा रखना होता है, तो इतना ऊंचा हम 4 फीट तो प्लिंथ करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, या तो ब्रिक वर्क करते हैं, या SSM करते हैं, या उसे प्लम कंक्रीट, कई जगह प्लम कंक्रीट किया जाता है, कई जगह SSM किया जाता है, तो हमने यहाँ किया प्लम कंक्रीट, मतलब कंक्रीट और पत्थर मिक्स किए, प्लिंथ बीम की हाइट बढ़ाई, रोड से हमने 4 फुट ऊंचा कर दिया उसको, ठीक है, उसके ऊपर प्लिंथ बीम होता है। तो मटेरियल हमारा लगा प्लम कंक्रीट में 250 CFT, 130 रुपया उसका रेट था, ग्रेड अच्छा था, तो 32,760 रुपया हमारा मटेरियल लगा, लेबर उसको लगाने के लिए 30 रुपया हमें लगे, ठीक है, तो 7,500 रुपया हमारा प्लम कंक्रीट का हो गया, हमने प्लिंथ ऊंचा कर लिया, प्लिंथ का फिर स्टील बांधा गया, जब हो गया तो मटेरियल हमारा लगा 0.16 मीट्रिक टन और 79,000 रेट है टाटा का, 12,640 ही आया, लेबर जो बांधने वाली 5,000 वो लेगी, 800 रुपये उनका बन गया। प्लिंथ हो गया जब उसका कंक्रीट किया, जब हमने 60 CFT हमारा मटेरियल लगा उसमें, 270 रुपये उसका रेट, ठीक है, M25, और 16,200 रुपये हमारा लगा, लेबर हमारी 55 रुपये डालने के लिए लिया उन्होंने, क्लियर। तो फिर जो पेडिस्टल होता है, देखो फुटिंग जब होती है हमारी नीचे से, ये फुटिंग हो गई ना, जब ये कॉलम ये खड़ा है, तो ये जो जगह होती है जहाँ इसको हम पेडिस्टल बोलते हैं, ये ऊंचा रखा जाता है, तो यहाँ लेवल करना होता है, तो यहां से हमारा प्लिंथ वगैरह शुरू होगा। ये जो पेडिस्टल था, इसका जो मटेरियल था वो लगा हमारा 0.12 MT मेट्रिक टन, तो 69,000 रुपये रेट है, तो 9,480 रुपये इसका खर्चा, 5,000 रुपये बांधने वाले, 600 रुपये इसका खर्चा, फिर इसका पेडिस्टल का कंक्रीट किया हमने, तो मटेरियल लगा 34 CFT, 270 रुपये, लेबर हमें 54-55 रुपये लेबर ली, तो ये हो गया। फिर हम बात करते हैं शटरिंग, जो सब शटरिंग की हमने, 70 रुपये रेट चल रहा है स्क्वेयर फीट का, तो 260 रुपये स्क्वेयर फीट थी, 260 स्क्वेयर फीट क्वांटिटी थी कुछ, तो 70,500 उसका, तो 2,50,000 रुपये हमें फाउंडेशन करने का खर्चा आ गया 800 स्क्वेयर फीट की घर की। तो प्लास्टर में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उसमें ठैया बना लेना है, जब ठैया बना लोगे आप, मतलब पेग्स जो रहते हैं छोटे छोटे, जैसे आप ये प्रोसीजर देख रहे हो, ये क्या किया जा रहा है, आपके मतलब रूम को एक तो स्क्वेयर किया जा रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ रहती है, दूसरा इसमें प्लास्टर प्रॉपर आता है कि कहाँ कितना प्लास्टर चढ़ेगा, वो पहले आपको आइडिया लग जाएगा, ये पैग्स बना लेने हैं। और जैसे मैंने कहा था, आपकी टेढ़ी मेढ़ी दीवार रहेगी तो दिक्कत क्या होती है, कई जगह ज़्यादा प्लास्टर चढ़ेगा, कई जगह कम, क्योंकि जो प्लास्टर करने वाला होगा वो तो यही रखेगा कि आपकी दीवार एक जैसी दिखे, तो इस चक्कर में वो कई जगह प्लास्टर ज़्यादा चढ़ा देगा, जहाँ ज़्यादा चढ़ा देगा वो पपड़ी बन के निकल जाएगा, और जहाँ कम चढ़ेगा वहाँ क्रैक आ जाएंगे, तो ये दिक्कत रहती रहती है। तो ये आपको पहले ही ध्यान देना है कि आपका ब्रिक वर्क बढ़िया से होना चाहिए। फिर जो आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज, जैसे ही आपकी जो ब्रिक वर्क हो गया होता है, उसमें जो बाइंडिंग वायर शटरिंग वाली लगाई होगी, या कील लगी होगी, या लकड़ा लगा होगा, या पेपर लगा होगा, वो सब कुछ साफ कर लेना, नहीं तो प्लास्टर वाला क्या करता है, जब पानी मारा होता है तो नरम हो गई होती है, उसी के ऊपर लगा देता है, इतनी मेहनत नहीं मारता वो प्लास्टर वाला, वो बोलता है कि जुड़ाई वाले का काम था, वो तो लगा देता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो चीज़ सड़ जाती है अंदर से, और जहाँ तो उसमें डिट्रॉइड, तो क्रैक आपके वहाँ शुरू हो जाते हैं, ये दिक्कत आती है। जो भी आपका सरफेस होता है, मतलब कंक्रीट का सरफेस, उस पर पहले हाकिंग कर लो, इटाचा मार लो ऐसे, मतलब सरफेस को रफ किया होगा तो जब उस पर प्लास्टर चढ़ाओगे वो अच्छे से चिपकेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी, अगर नहीं किया रहेगा तो वो बाद में, अभी तो चिपक जाएगा, जब थोड़ा टाइम बाद वो निकल जाएगा पपड़ी बन के। और जहाँ आपका कंक्रीट का सरफेस हो, ब्रिक का सरफेस होता है, उस जॉइंट पे क्रैक्स के चांसेस बढ़े रहते हैं, तो उस पे क्या करना है, आपको चिकन मैश या फाइबर मैश दोनों तरफ इस तरीके से चढ़ा देनी है और फिर उस पे प्लास्टर करना है, तो कोई दिक्कत उस पे नहीं आएगी। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, जो प्लास्टर करोगे आप, अंदर का प्लास्टर, इंटरनल प्लास्टर करोगे, वो 10 से 12 mm का रखना मोटाई, उसकी थिकनेस जितनी कम होगी उतना अच्छा रहता है, 10 से 12 mm से कम भी नहीं करनी और ज़्यादा भी नहीं करनी है, तो आपका प्रॉपर प्लास्टर होगा, वो दिखेगा, अच्छा दिखेगा और उसकी लाइफ भी बड़ी होगी। अगर बाहर का, बाहर के तरफ एक्सटर्नल प्लास्टर करने जाते हो, 15 से 18 mm का रखो, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर इससे ज़्यादा होता वही पपड़ी बननी है। और सीलिंग जो आपकी छत रहती है, वहाँ 6 से 8 mm का प्लास्टर चिपका, उससे ज़्यादा प्लास्टर चिपकाने जाओगे तो वो निकलेगा ही निकलेगा। और प्रॉपर देखो आपका सरफेस अगर स्मूथ है तो उसको हॉकिंग कर लो, वैसे सरफेस को रफ ही रखना चाहिए। बाकी जो रेशो आपको बनानी होती है, जो मोटार आप मतलब करोगे, वो 1:4 का माल जो रहता है, 1 में सीमेंट, 4 में हमारा सैंड, वो आप सीलिंग में यूज़ करो, सीलिंग में मारो प्रॉपर से तो अच्छी सीलिंग रहेगी, 1:6 का माल आप बाकी प्लास्टर में यूज़ करो तो वो अच्छा रहेगा। और जो मोटार बनाओगे, जो प्लास्टर के लिए सीमेंट सैंड का घोल बनाओगे,
तो उसमें क्या करना है आपको, उसको 45 मिनट के अंदर अंदर उसको लगा देना है, 45 मिनट के, तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा लोड बनाओ, एक साथ बना के रखोगे इनिशियल सेटिंग टाइम शुरू हो जाता है, वो प्रॉपर से चिपकता नहीं है, बाद में निकल जाता है प्लास्टर, तो 45 मिनट से एक घंटे के अंदर उसको लगा दो। और जो प्लास्टर, जब प्लास्टर करते करते नीचे जो गिरता है उसको क्या करो, तभी उठा के, मतलब 45 मिनट के अंदर ही उठा के थोड़ा सा सीमेंट डाल के उसको अच्छे से लगा दो, तो अच्छे से आपका बना रहेगा। और सीमेंट की अगर मैं बात करूँ, आपको हमेशा मेरे ख्याल में प्लास्टर के लिए तो पोर्टलैंड पोजलैंडा सीमेंट यूज़ करो, एक तो सस्ता भी रहता है, अच्छा रहता है, क्रैक्स नहीं आते हैं, और वो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और प्रॉपर एक चीज़ देखना, जब सीमेंट यूज़ करोगे 3 महीने ज़्यादा पुराना सीमेंट वहाँ आपको नहीं लगाना है। और जब प्लास्टर कर रहे हो, आपको पता है इस एरिया में टाइल आएगी या कुछ होगा, तो उस एरिया को स्मूथ कर लो कि अच्छे से आपकी टाइल बाद में चिपक जाए, कोई दिक्कत उसमें ना रहे। दूसरा, आपकी सैंड जो रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर रेती अच्छी नहीं होगी तो प्लास्टर अच्छा नहीं होता, ये रेती पे बहुत चीज़ें डिपेंड होती हैं, तो देख लेना उसमें जो चमकीला पार्टिकल रहता है, सिल्ट रहता है, वो ज़्यादा सिल्ट उसमें नहीं होनी चाहिए, 6% से कम ही सिल्ट उसमें होनी चाहिए, अगर 6% से ज़्यादा तो वो बाद में दिक्कत करेगी। जब आपका प्लास्टर हो जाता है तो उसकी कम से कम मिनिमम, अभी तो समर का मौसम है, 12 दिन से 14 दिन उसको तराई करनी है, दिन में 3 बार पानी पिलाना ही पिलाना है। अगर 3 बार उसकी पानी पिलाओगे तो स्ट्रेंथ उसकी 50 गुना ज़्यादा हो जाएगी, नहीं तो स्ट्रेंथ उसकी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। जब आपका प्लास्टर हो जाता है, जो भी आपके फ़ैन के बॉक्स हैं, डिब्बे हैं जहाँ से वायर घुसाई जाएगी, उनको एक्सपोज कर दो, प्लास्टर वाले को उनको साफ़ कर दो, नहीं तो जब वायर डालने की बारी आती है वो दिखता नहीं है, तो वो दिक्कत उधर रह सकती है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देना ही देना है। और जो गलतियाँ की जाती हैं, एक तो जो मोटार बनाई जाती है सैंड और उसकी, उसमें पानी डाला जाता है बार बार, जैसे मिस्त्री को दिया पानी डाला जाता है, वो गलती मत करो। दूसरी टिप, आपको जब भी दीवार पे प्लास्टर करने जाना है, पहले तो मैंने कहा 2 घंटे पहले पानी मार दो, दीवार आपकी गीली होनी चाहिए, और फिर नीरू बना लो, स्लरी बना लो, थोड़ी थोड़ी स्लरी मारो, मतलब थोड़ी स्लरी मार दोगे, प्लास्टर करोगे, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तीसरी चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो भी आपके कॉर्नर वगैरह हैं उनको प्रॉपर से थोड़ा शेप दो, बिल्कुल शार्प मत रखो, मतलब एजिस को थोड़ा, मिस्त्री को पता होता है तो उसको वैसा रखना है। बाकी जॉइंट्स दो, मतलब जहाँ जहाँ आपकी 2 दीवारें जुड़ रही हैं वहाँ पर अगर प्लास्टर पर जॉइंट्स रहेगा, एक्सपेंशन जॉइंट, तो आपके क्रैक्स नहीं आएंगे। और क्रैक से अगर और ज़्यादा बचना हो आपको, तो ये सामने जो आप देख रहे हो पॉलीमर रेक्रॉन 3S फाइबर जो रहता है, ये फाइबर अगर डालते हो तो इससे क्रैक्स के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं डालनी पड़ती है, इस पर अलग से मैंने वीडियो बनाई है वैसे, थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर आप डालो दे प्लास्टर में, तो छोटे छोटे जो एक दूसरे से बॉन्ड बन जाती है और क्रैक्स की समस्या और ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको बेसिक चेक करनी है, अगर ये चीज़ें फॉलोअप करोगे आपके प्लास्टर में तो गारंटी है ना आपको इतने ज़्यादा क्रैक्स देखने को मिलेगी, लाइफ डबल हो जाएगी प्लास्टर की, और भी काफ़ी चीज़ें आपकी दीवारें सुंदर दिखेंगी और उनकी हेल्थ भी होगी। हम किसी रूम में, एक कमरा है उसमें प्लास्टर करने का, प्लास्टर करने का कितना खर्चा आएगा एक रूम का प्लास्टर, ये हमारा एक रूम है 10 फुट 10 फुट 10 फुट बाय 10 फुट का, मतलब चारों तरफ हमारा 10 फुट बाय 10 फुट का कमरा है। ये हमारी एक विंडो है इस कमरे में, 4x4 की विंडो हमने लगाई है, ये यहाँ से दरवाज़ा है, 3x7 का दरवाज़ा है, ठीक है। जो हमारा कमरे का साइज है 10x10, तो हमें क्या करते हैं, एक दीवार का निकाल देते हैं, इस दीवार में कितना खर्चा आएगा, बाकियों का अपने आप निकल जाएगा। तो पकड़ लो भाई, 10x10 की दीवार है, 100 स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है। जो हम रेशियो यूज़ कर रहे हैं इसको प्लास्टर करने में, वो 1:4 का और 12 mm प्लास्टर करने वाले हैं। तो सबसे पहले थंब रूल समझ लो, थंब रूल क्या है, थंब रूल जो पुरानी हमने काम किया है उसमें से हमें ये मिला है, 100 स्क्वायर फीट एरिया हो, 1:4 का प्लास्टर हो, 12 mm प्लास्टर करना हो, तो हमें एक बैग सीमेंट लगता है, 100 स्क्वायर फीट एरिया में एक बैग सीमेंट हमें चाहिए। तो एक बैग सीमेंट कितने का गया, 430 रुपये का। पीपीसी सीमेंट ले लेना, कौन सा पीपीसी, पोजलैंडा पोर्टलैंड सीमेंट, अल्ट्राटेक का लो, एसीसी का लो, किसी भी कंपनी का लो, लेकिन पोर्टलैंड पोजलैंडा सीमेंट जरूर लेना, ये चीज ध्यान रखना। और अगर 100 स्क्वायर फीट जगह है, मतलब एरिया है, तो उसमें हमारी सैंड जाती है अप्रोक्स 5 क्यूबिक फीट, कितनी, 5 क्यूबिक फीट, तो 5 क्यूबिक फीट, तो रेट इस समय हमारे एरिया में चल रहा है रिवर सैंड का 55 रुपये पर CFT, तो 5 है, 275 रुपये की हमारी सैंड लगेगी। अभी हम एक दीवार का कर रहे हैं, इस दीवार का, बाकियों का अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, यहां तक समझ आ गया। फिर आते हैं लेवर, हमारी जो लेवर रेट है,
यहाँ चल रहा है 15 रुपये पर स्क्वेयर फीट प्लास्टर लेबर रेट, मटेरियल नहीं लेबर रेट 15 रुपये पर स्क्वेयर फीट। आपके एरिया में 16-17 जितना होगा आप उतना पकड़ लेना, तो 100 स्क्वेयर फीट का एरिया है हमारा, तो 15 से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 × 15 कितना हो गया, 1500 रुपये का हमारा खर्चा आएगा एक दीवार को प्लास्टर करवाने में। मटेरियल मिल गया, लेबर मिल गया, अभी दीवारें मतलब लेबर का कैलकुलेट कर लेते हैं। एक दीवार ये आ गई, एक दीवार ये आ गई, मतलब पांचों दीवारें, 1, 2, 3, 4 चार दीवारें आ गई और एक छत आ गया, वो भी कितना होगा पूरा 10 स्क्वेयर फीट होगा। तो हर एक में हमें एक दीवार में 1500 लेबर लगेगी, 1500 लेबर, तो 7500 रुपया एक कमरे को, उस कमरे को जो 10 बाय 10 का कमरा है, 7500 रुपया हमारा लेबर का खर्चा आएगा। कितना लेबर का खर्चा आएगा। फिर जो सीमेंट हमारा है वो कितना लगेगा, एक दीवार पे एक बैग लग रहा था, मतलब एक दीवार थी 100 स्क्वेयर फीट और उसमें हमारा जाता था एक बैग, तो ऐसी ही पांच हो गई ना, चार दीवारें और छत पांच, तो 430 से मतलब सीमेंट कितना लगेगा, 2150 रुपये का हमारा सीमेंट लगेगा उस रूम को, कमरे को प्लास्टर करने में। फिर पांच चार दीवारें और एक छत पांच हो गया, तो एक में हमारा लग रहा था 5 CFT और रेट आया था 275 रुपये, तो 5 रुपये पांच में कितना आएगा 275, वो हो गया 1375 रुपये का हमें सेंट लग जाएगा उस रूम में। फिर टोटल का पकड़ लेते हैं, लेबर हमारी आई थी 7500 रुपया, 7500, सीमेंट हमारा लग रहा है 2150 का, सैंड लग रही है 1375 का, तो हमारा आ गया 11025 रुपये अप्रोक्स। ये क्या है अप्रोक्स, लगभग खर्चा, एग्जैक्ट खर्चा नहीं होता, लगभग आ गया हमारा 11025 रुपये। फिर देखो जहां हमारी विंडो और डोर भी था, इनको निकालना पड़ेगा क्योंकि इधर इतना ज्यादा प्लास्टर नहीं होता, ऐसे आधा निकालते, मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो विंडो थी हमारी 4x4 की, उसको कर दो कितना होगा 4x4 16 स्क्वेयर फीट, और दरवाजा था 3x7 का, वो हो गया 21 स्क्वेयर फीट, दोनों को प्लस कर लो 37 स्क्वेयर फीट एरिया में प्लास्टर नहीं हुए, तो इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्लास्टर नहीं हुआ। तो लमसम अगर इसको हम टोटल जो हमारी वैल्यू आई है टोटल पैसे और डिवाइड बाय एरिया करेंगे, लमसम हमें मिल जाएगा कि कितना आएगा, तो हमारा आया टोटल हमारा खर्चा इतना आ रहा था 11025 और टोटल एरिया कितना है, चार दीवारें हो गई 400 स्क्वेयर फीट और छत हो गए 100 स्क्वेयर फीट, 500, तो 500 डिवाइड करेंगे 22 रुपये पर स्क्वेयर फीट लेबर प्लस मटेरियल हमारा खर्चा आ रहा है, ठीक है कितना 22 रुपये, तो 37 × 22 कर देंगे, 37 × 22 मतलब 814 रुपये जो है उस पूरे खर्चे में, इस खर्चे में 814 रुपये हमने नहीं किए क्योंकि वहां विंडो और डोर था, तो इसको माइनस कर देते हैं 1125 - 814, तो 10211 रुपये लगभग हमारा खर्चा आएगा एक रूम को प्लास्टर करने में। इस तरीके से निकालते हैं कि कैसे करना है, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कैसे कैलकुलेट करना है। को जो भी क्वेश्चन है, जो भी वीडियो चाहते हो कमेंट करना, सब कुछ आपके लिए आएगा, और शाम की वीडियो जरूर देखना, बार बेंडिंग शेड्यूल पे रहने वाली है। अभी मैं अलविदा लेता हूं।